अध्याय 11 और अध्याय 11 है मानव नेत्र। मानव नेत्र कितना मजेदार काम है, मतलब हमारे नेत्र के बारे में बात की है, ठीक है ना। मानव नेत्र और हम बोल सकते तथा रंग बिरंगा संसार, तथा रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा बिरंगा संसार, बहुत बढ़िया हेडिंग है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में जो हेडिंग होती है वो मजेदार ही होती है, ठीक है ना। पहली बात तो मानव नेत्र की बात की है, तो मानव नेत्र मतलब हमारे नेत्र के बारे में डिस्कशन किया है यहाँ पर। और रंग बिरंगा संसार का मतलब ये हुआ कि अगर मानव नेत्र है, मानव को अगर नेत्र है तो रंग बिरंगा संसार देख सकता है, तभी तो रंग बिरंगा संसार होगा। अगर कोई दृष्टिहीन है तो देख नहीं पाएगा, तो उसको तो सारे रंग ये ऐसे हो गए, मतलब पूरा अंधकार दिखेगा उसको। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मानव नेत्र के लिए, मानव के लिए नेत्र कितना आवश्यक है उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद में जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार से होती है, इस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हम बोलेंगे कि वायुमंडलीय में अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हम समझेंगे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो इन पॉइंट के आधार पर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इसको समझना है। पहली बात अगर यहाँ पर देखें तो जो पिछला चैप्टर है हमारा कौन सा, प्रकाश, और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, उस चैप्टर से इसका डायरेक्ट संबंध है। डायरेक्ट क्यों संबंध है, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश पढ़ा। और प्रकाश में क्या क्या पढ़ा, प्रकाश में अपवर्तन किस प्रकार से होता है, परावर्तन पहले पढ़ा था, अपवर्तन किस प्रकार से होता है और परावर्तन किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, मानव नेत्र के बारे में हमने जब पढ़ा था वहां पर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, और वहां पर यह भी डिस्कशन किया था कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीजों की अत्यंत आवश्यक है, नेसेसरी है, वो तो पहला तो है प्रकाश और दूसरा क्या है, मानव नेत्र, ठीक है। तो ये दो चीजें जब तक नहीं रहेगी तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब हमने पिछले चैप्टर में प्रकाश की प्रकृति को समझा, है ना, कहीं ना कहीं संबंध है ना दोनों का। पिछले चैप्टर में हमने क्या समझा, प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझा कि किस प्रकार से प्रकाश गमन करता है, किस प्रकार से परावर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार से अपवर्तन होता है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो किस प्रकार से वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से परे हो जाता है। तो इसके बारे में हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा। इसके अलावा इसमें पढ़ा हमने समतल दर्पण, समतल दर्पण, उसके बाद में अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है, ये पढ़ा। इसके बाद में लेंस पढ़ा, ठीक है, और लेंस भी दो प्रकार से पढ़े हमने, अवतल, अवतल और उत्तल। अब बार बार हम ये बोल रहे हैं कि पिछले चैप्टर से हमारा इस चैप्टर का डायरेक्ट संबंध है। अगर हम देखें कि जो लेंस पढ़ा ना हमने पिछले चैप्टर में, लेंस पढ़ा, तो लेंस का इस चैप्टर से किस प्रकार से संबंध है यहाँ पर ये समझते हैं। देखना, आपने देखा होगा कि मानव नेत्र की जब भी बात की जाती है हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो मानव उसकी अगर टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे कुछ देर तक अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लेंस की बात करते हैं, बोलते हैं ना कि इसके आपके जो नेत्र में जो लेंस है, लेंस के कारण आपको दिखाई कम पड़ रहा है, या दूर की वस्तु में दिखाई दे रही, या पास की वस्तु में दिखाई दे रही। इसके अलावा कॉर्निया वगैरह की बात करते हैं, तो वो सारी बातें हम बाद में समझेंगे। सिंपल सी बात है कि जो लेंस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मानव जो नेत्र है, नेत्र में भी क्या होता है, लेंस होता है, तो इस लेंस की प्रकृति और इस लेंस की प्रकृति क्या होती है, एक जैसी, ठीक है ना। तो हमें ये चैप्टर पढ़ने के लिए लेंस की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, इसका नॉलेज होना आवश्यक है। एक सी सिब्बर एक कवि थे, और उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। और वो पंक्तियां इसलिए डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि मानव नेत्र का कितना महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में यहाँ पर हम यहाँ पर समझते हैं। तो इनकी जो पंक्तियां थी बड़ी मजेदार पंक्तियां थी, मैं यहाँ पर पहले पंक्तियां लिख देता हूँ, फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इनकी पंक्ति थी, उसकी कुछ लाइनें हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अद्भुत वस्तुओं का वर्णन, अद्भुत अद्भुत
वस्तुओं का वह दिन और रात, वह दिन और रात, दिन और रात। अभी यहां पर देखना कितना मजेदार कथन बोला है, ठीक है। सी सिब्बेर ने लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में लिखा था, इसका ट्रांसलेशन है। पहले तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम समझेंगे कि वास्तव में क्या बोला गया है। आप भी इसके बारे में थोड़ा सा गहनता से सुनिएगा। अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते आप, दुनिया की जो अद्भुत वस्तु है इसका आप वर्णन करते हो, जिन्हें देख सकते हैं आप, जिन जो अद्भुत वस्तु है उनको आप देखते हो और इसके बाद में आप उसका वर्णन करते हो। चमकीला है सूर्य कहते है यह आप, दो बार कीजिए, कहते हैं चमकीला है सूर्य कहते है यह आप, अनुभव मैं भी करता दीप्त सूर्य का ताप, जो दीप्त सूर्य है उसका मैं ताप का मैं भी अनुभव करता हूं, पर समझ न पाया अब तक यह मैं, बनता कैसे हुआ दिन और रात। बहुत बढ़िया कविता लिखी हुई है, फिर से और एक बार पढ़ेंगे हम। एक दृष्टिहीन व्यक्ति किसी दृष्टि वाले व्यक्ति से यह कह रहा है कि अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते हैं आप हमेशा ये बोलते रहते हो कि जो सूर्य है वो दिखता है, ये वस्तु ऐसी है, पेड़ हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं, या पेड़ हिल रहा है, या पानी के झरने बह रहे हैं, इस प्रकार से जो प्रकृति का जो आनंद ले रहे हो इसका वर्णन आप कर रहे हो, ये हमेशा करते रहते हो। जिन्हें देख सकते हैं आप, जिस वस्तु को आप देख सकते हो उसका वर्णन आप कर सकते हो। चमकीला है सूर्य कहते हैं आप, हमेशा बात करते रहते हो कि जो सूर्य है वो क्या अत्यधिक चमकीला है, हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद देखिए क्या बोला है, अद्भुत मैं भी करता दीप्त सूर्य का ताप, सॉरी अनुभव मैं भी करता दीप्त सूर्य का ताप, मुझे भले ही दिखाई नहीं देता, मैं बड़े अद्भुत वस्तुओं को नहीं देख पाता, लेकिन फिर भी मैं सूर्य का ताप का अनुभव करता हूँ, मेरी दृष्टिहीन हूं मैं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, जो ताप है सूर्य की गर्मी है उसका मैं अनुभव करता हूँ, पर समझ न पाया, लेकिन यहाँ पर भी किंतु लगा दिया, पर समझ न पाया अब तक यह मैं, समझ न पाया अब तक यह मैं, बनता कैसे हुआ दिन और रात। अब अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया कि किस प्रकार से दिन होता है, किस प्रकार से रात होती है, क्योंकि जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उसके लिए दिन और रात तो एक जैसा है, दिन में भी अंधेरा दिखाई दे रहा उसको और रात में भी अंधेरा दिखाई दे रहा। तो ये कविता पढ़ने के बाद में हमें एक यहाँ पर एक बड़ी एक सहानुभूति होती है कि अगर कोई व्यक्ति दृष्टिहीन है और कोई व्यक्ति की आंखें अगर स्वस्थ है तो दोनों व्यक्तियों के में कितना अंतर है। मतलब इस कविता में इसका सारांश दिया हुआ है और उसकी पीड़ा जो दृष्टिहीन व्यक्ति है। देखना ये चैप्टर मानव नेत्र के बारे में है, लेकिन हम कम से कम मानव नेत्र की इसको समझे कि उसके महत्व को समझे कि जिस व्यक्ति के पास में मानव नेत्र है, जिसके पास में मानव नेत्र मतलब नेत्र नहीं है या दृष्टिहीन है, तो कितना दोनों में अंतर है। तो एक मजेदार बात बता दूं कि मानव नेत्र जो ऐसा आर्गन है मनुष्य का मानव नेत्र एक ऐसा आर्गन है कि जो मृत्यु के बाद में भी जिंदा होता है। कितना अद्भुत है, बात समझ में आ रही। फिर से और एक बार, मानव शरीर में मानव नेत्र एक ऐसा आर्गन है, और भी इसके अलावा भी कुछ आर्गन है, ठीक है, हम उसको डिस्कशन नहीं करेंगे कि हम मानव नेत्र की यहां पर बात कर रहे हैं। मानव नेत्र एक ऐसा आर्गन है जो मानव शरीर की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसके नेत्र क्या होते हैं, कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं। इसका मतलब वो जीवित रहते हैं, यानी उसके नेत्र अगर वो दान दे दे किसी नेत्रहीन व्यक्ति को तो उसकी आंखें वापस आ सकती है। इसका मतलब उसका जो जीवन है अंधकार से प्रकाशमय हो सकता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि वास्तव में जो आंखें जो डोनेट की जाती है, दान दिया जाता है, वो उसकी क्या प्रोसेस होती है और कौन कौन उसको दान दे सकता है और दान देने से क्या उसको फायदा हो सकता है और क्या हमें नुकसान या फायदा हो सकता है। अगर मान लिया गया कि हमारी अगर मृत्यु हो जाती है तो और हमारी आंखें अगर दान दे दी जाए तो हमें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उस हमारे डोनेट करने से किसी का जीवन सफल हो सकता है। तो उसको हम समझते हैं कि दुनिया में विश्व में जो विकसित देश है, विकसित समझते हो ना, विकसित विकासशील और अविकसित, तीन प्रकार के कैटेगरी में देशों को
रखा गया है। ऐसे देश जो विकास कर चुके हैं, अच्छे डेवलप है, उसको विकसित बोला जाता है। जो ऐसे देश जो विकास की ओर अग्रसर है, विकास करते जा रहे हैं, उसको विकासशील देश बोला जाता है। और ऐसे देश जो विकासशील भी नहीं है, मतलब और विकसित है और कोशिश भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि वो विकासशील होने की कोशिश भी उनकी असफल हो रही है। तो ऐसे देशों की यहाँ पर हम बात करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से इसका महत्व है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया उसके आधार पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मानव नेत्र जो है वो मानव के लिए कितना आवश्यक है ना। जैसा कि चैप्टर का नाम है रंग बिरंगा संसार, अगर नेत्र नहीं रहेगा तो ये जो रंग बिरंगा संसार है हम नहीं देख पाएंगे और हमारे कई सारे काम जो है उसके कारण अवरुद्ध होंगे, मतलब काम हमारे नहीं हो पाएंगे। अगर हम आज भी अगर विकास विकसित देशों की अगर बात करें तो इसमें आज में 3.5 करोड़ मतलब 3.5 करोड़ ऐसे हैं कि जो दृष्टिहीन है, जो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे। और फिर भी अगर देखा जाए कि जो वास्तविक अगर जो ऐसे अंधता है जो कार्निया के कारण अंधता है, कार्निया के कारण अंधता मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखें सही हो सकती, ऐसे भी लोग कितने 45 लाख लोग हैं, जिसमें से 60% ऐसे लोग हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र के, मतलब 27 लाख बच्चे, ठीक है, 27 लाख बच्चे जो है वो क्या है, कार्निया अंधता। अब कार्निया अंधता क्या होती है तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में कार्निया के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। कार्निया अंधता के कारण, अंधता के कारण वो देख नहीं पा रहे। 60% मतलब जो 45 लाख है, 45 लाख टोटल 45 लाख है व्यक्ति है जो देख नहीं पा रहे, और जिसमें से 27 लाख मतलब 60% ऐसे है कि जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 12 वर्ष से कम बच्चे। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी उनका समय करियर बनाने का है वो अभी देख नहीं पा रहे, और जिसके कारण उनका जो भविष्य है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, वो भविष्य की प्लानिंग नहीं कर पा रहे। तो इसका एक सलूशन है कि जैसे अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति आंख से स्वस्थ है, तो आंख एक ऐसा ऑर्गन है मनुष्य का कि अगर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाए उसके बाद में भी उसकी आंख जीवित होती है। देखना कैसे और एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो जिन व्यक्तियों की आंखें स्वस्थ है तो उसकी अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो उसकी आंखें जिंदा होती है। कितनी आश्चर्यजनक बात है, उसकी आंखें जिंदा होती है और उस आंखों को किसी अंधता या कार्निया या अंधता वाले व्यक्ति को अगर दी जाए तो उसकी आंखें वापस आ सकती है, उसकी रोशनी वापस आ सकती है।